ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज लिस्ट आने की संभावना है कांग्रेस की? आज नहीं, कल हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे ना। कल कई मीटिंग्स कैंसिल हुई शिवसेना के साथ, ये कहा जा रहा है मतभेद है कांग्रेस का। कितनी सीटों पे बातचीत आप लोगों को लगता है अभी बाकी है गठबंधन के बीच? 43 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 43 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सॉल्व हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिलके तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने का हमारा प्लान है, तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे, मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे हमारे साथी दलों में, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। एक आरोप जो संजय राउत जी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट को इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, उनके आरोप से आप सहमत हैं? बिल्कुल, कल हमने ज्वाइंटली हमने उस दिन प्रेस लिया था मुंबई में, संजय राउत, मैं और जयंत पाटिल, और हमने उसी दिन हमने उस बात का एलिगेशन लगाया था, और वो वास्तविकता है कि बीजेपी हार के डर से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रहा है, और ये स्पष्ट हुआ है। हमने कई जगह हमने उनको चुनाव आयोग को हमने उसके प्रूफ दिया है, और चुनाव आयोग सतर्क हो, चुनाव आयोग केंद्र सरकार की गुलाम ना बने, यही हमारा उनको सजेशन है। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी हार की तरफ होगी, मतलब एनडीए अलायंस वहां, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस है उनके नेताओं के बयान से पता चलता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। उनके इसमें क्या चल रहा है? उनके बीजेपी के ही ऑब्जर्वर को लोगों ने मारा है, चंद्रपुर में मारा है, नागपुर में मारा है, तो वो अपना पाप, हमारे में कुछ नहीं है, सीट बंटवारे में तो होता ही है, उनके इसमें भी चल रही लड़ाई। अब वो उनमें अमित शाह उनके पास है, ईडी का डर है, इसलिए उनके लोग चिल्लाते नहीं भाई उनके सपोर्टर, लेकिन अंदर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है वो भी थोड़ा सा उसका भी वीडियोज बनाइए और दिखाइए हिन्दुस्तान की जनता को।